शाहरुख खान का जलवा उनके फिल्मों में लगातार देखने को मिल रहा है। पिछले साल उन्होंने बैक टू बैक बॉक्स ऑफिस पर 3 शानदार फिल्में रिलीज की और एक बार फिर से किंग खान ने अपनी बादशाहत साबित कर दिखाई। शाहरुख की फिल्मों के लिए लोगों के बीच अलग ही दीवानगी देखने को मिलती है, फिर चाहे वो उनकी पुरानी ही फिल्म क्यों ना हो। 21 साल पहले सुपरस्टार की फिल्म कल हो ना हो ने सिनेमाघरों में दस्तक दी थी। उनके इस फिल्म को काफी पसंद भी किया गया था। इस फिल्म को निखिल आडवाणी ने डायरेक्ट किया था और कल हो ना हो के साथ ही उन्होंने डायरेक्शन में डेब्यू किया था। ये एक रोमांटिक ड्रामा थी जिसमें शाहरुख खान, सैफ अली खान और प्रीति जिंटा लीड रोल में थे। 30 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 86 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया था और ये एक सुपरहिट फिल्म थी, लेकिन शाहरुख को कल हो ना हो बकवास लगी थी। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान निखिल आडवाणी ने ये खुलासा किया कि शाहरुख ने उनकी पहली फिल्म के बारे में ऐसा क्यों कहा है। निखिल आडवाणी ने एक इंटरव्यू में अपने फिल्मी करियर के बारे में बात की। उन्होंने शाहरुख खान के साथ काम करने का एक्सपीरियंस शेयर किया। फिल्म मेकर ने खुलासा किया कि शाहरुख को उन फिल्मों की बुराई करने की आदत है जिन पर वो उस वक्त काम कर रहे होते हैं। निखिल ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा कि जब वो शाहरुख के साथ एसोसिएट डायरेक्टर के रूप में मोहब्बतें पर काम कर रहे थे, तब किंग खान हे राम कर रहे थे। शाहरुख खान की आदत है कि वो मीटिंग में आते हैं और कहते हैं कि जिस फिल्म पर वो उनके साथ काम कर रहे हैं वो बकवास है और उन्हें कोई और फिल्म देखनी चाहिए। कल हो ना हो के वक्त उन्होंने ये कहा था कि देवदास शानदार है और ये फिल्म बकवास है। फिल्म मेकर और डायरेक्टर निखिल आडवाणी अपनी अपकमिंग फिल्म वेदा की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। CBFC की रिवाइजिंग कमेटी ने बिना किसी कट के उसे पास कर दिया है और इस एक्शन ड्रामा फिल्म में जॉन इब्राहिम, शर्वरी, अभिषेक बैनर्जी और तमन्ना भाटिया लीड रोल में नजर आने वाले हैं। रियल स्टोरी पर बेस्ड वेदा 15 अगस्त 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।